अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा। मुरूर से कुछ खबरें आ रही है, इंश्योरेंस कंपनी से कुछ खबरें आ रही है, जवजात की तरफ से कुछ खबरें आ रही है और भी कुछ खबरें हैं, तो बहुत ही बड़ी खबर आपको मैं सुनाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहली खबर दोस्तों जो कतर से आ रही दोस्तों वो आ रही है जवजात की तरफ से। तो दोस्तों जवजात की तरफ से फिर से लोगों को दोबारा याद दिलाया गया, जितनी भी वहां पे एक्सपर्ट है चाहे वो किसी भी देश से आप ताल्लुकात रहते हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, तो दोस्तों बहुत सारे लोग अभी कतर में ऐसे हैं जो कि इलीगल तरीके से रह रहे, किन्हीं का वीजा एक्सपायर हो चुका हो, किन्हीं का इकामा एक्सपायर हो चुका है, या फिर मतलब अलग अलग तरह का लोगों पे फाइन लगा हुआ है। तो दोस्तों उन लोगों को एक गोल्डन चांस दिया गया था कि 31 मार्च तक यदि वो लोग अपने फाइन वगैरह को, जुर्माना वगैरह को भर को लीगल हो जाते हैं तो उन लोगों को 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। पर उसके बावजूद भी दोस्तों बहुत से लोगों ने अभी तक ये फाइन को नहीं भरा, इलीगल तरीके से वहां पे काम कर रहे, रह रहे हैं। तो जवजात की तरफ से सभी को ये बातें फिर से याद दिलाई गई कि आप लोग 31 मार्च से पहले सभी अपने अपने जुर्माना को, फाइन वगैरह को, ये जो भी चीज आप पे लगा हुआ है उसे क्लियर हो जाइए, फाइन वगैरह को भर दीजिए, आपके पास 50% डिस्काउंट का भी इस मिलने की संभावना है। तो ये बहुत ही बड़ा चांस है दोस्तों, यदि आप लोगों पे ऐसा कोई जुर्माना लगा है तो जल्दी से जाके भर दीजिए ताकि 50% का डिस्काउंट रह के आप वहां पे रह सकोगे। अगली खबर पर साथ ही चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो मुरूर की तरफ से यानी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। दोस्तों ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से दोस्तों सभी को याद दिलाया गया, जैसा कि आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि 17 मार्च तक सभी के आप लोगों के पास टाइम है कि जिन लोगों के फाइन, जुर्माना वगैरह जो भी आप लोगों पे लगा है, चाहे वो चाहे लाइसेंस को लेकर हो, ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ना, गाड़ी स्पीड चलाना, हेलमेट ना पहनना या रेड सिग्नल को क्रॉस करना, मतलब किसी तरह का भी दोस्तों आपको फाइन लगा था मुरूर की तरफ से, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आप लोगों को 17 मार्च तक ये टाइम दिया गया था। यदि आप लोग 17 मार्च के पहले यदि सभी फाइन वगैरह को भरते हो तो 50% का आप लोगों को उसमें भी डिस्काउंट दिया जाएगा। तो भाई ये 17 मार्च बहुत ही जल्दी आने वाला है क्योंकि आज हो चुका है लगभग 6 मार्च सुबह दोस्तों, आज हो चुका है। तो 10 दिनों के अंदर यदि आप लोग में जो भी फाइन वगैरह है, चाहे वो एक्सपर्ट हो या नागरिक हो, जल्दी से अपना जुर्माना भर लीजिए, नहीं तो 17 मार्च के बाद आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा जितनी भी आपका जुर्माना लगाया गया है। अगली खबर के साथ ही चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो सीआईडी की तरफ से आ रही है। दोस्तों सीआईडी की तरफ से भी दोस्तों कुछ चीजों में ऑफर दिया गया था, ये भी दोस्तों टाइम आपके पास ही मार्च के महीने तक ही आपका पास टाइम है, तो जो भी जुर्माना वगैरह है या फिर जो भी क्लियरिफिकेशन आपको चाहिए थाना वगैरह, पुलिस वगैरह से, तो वहां से जाके ये भी आप करवा सकते हैं। मार्च के बाद फिर आपको जुर्माना या फिर आपको घर भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी खबर के चलते जो कि इंश्योरेंस को लेकर आ रही, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैंने कई बार बता चुका हूं कि अप्रैल के लास्ट महीने खत्म होते, यदि मई महीने आते आते सभी को अब इंश्योरेंस आपको करवाना पड़ेगा। तो जो लोग भी अभी कतर अभी आने वाले हो, किसी भी कंपनी के थ्रू आ रहे हो या फिर एजेंट के थ्रू आ रहे हो, तो भाई अपना इंश्योरेंस करवा के आइएगा, नहीं तो आपको आने के बाद यहाँ पे काफी दिक्कतें होने वाली है। तो एजेंट से बोल दीजिए कि इंश्योरेंस मेरा करवा दीजिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस करवाना अभी अनिवार्य कर दिया गया है। बिना हेल्थ इंश्योरेंस के आपको एंट्री भी नहीं होगी, एंट्री बाय चांस आपको हो भी जाती है इधर तो फिर वहां जाके आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस का लास्ट दोस्तों डेट जो होगा स्टॉक खत्म होने का वो अप्रैल होगा, अप्रैल के बाद सभी को अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो साथियों ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।